तो आज हम बहुत पीड़ा से आपके से ये शेयर करने आए हैं कि जो पैटर्न कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से बना रखा है, हर सदन के शुरू के पहले कोई चीज लेके आना, फिर बहस नहीं करने देना, फिर बहस से भागना और फिर आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी सरकार बहस से भागती है। इस पैटर्न को देश के सामने बताना जरूरी है, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। ये बताएं कि जो हुआ मणिपुर में वो तो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, स्थिति अब काफी संभल रही है। एक अपराधी गिरफ्तार भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कल सरकार की ओर से बात की गई, माननीय गृह मंत्री ने बात किया, माननीय स्मृति ईरानी जी ने बात किया, आज प्रधानमंत्री ने पब्लिकली कंडेम किया, तो पूरी सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक मेरे मन में सवाल उठता है, संदेहास्पद परिस्थितियों का ये क्या है? आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पर एक दिन पहले आ जाती है, ये क्या है? सदन के शुरू होने के एक दिन पहले और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, घटना बहुत गलत है, हम सभी उसकी भर्त्सना करते हैं, सख्त कार्रवाई हो रही है और होगी। वहां के मुख्यमंत्री पूरा कार्रवाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है, लेकिन ये क्या है? तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जब परिस्थितियां बहुत संदेह और संशय से भरी हों तो आप उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। व्हेन ए पर्टिकुलर इंसिडेंट इज सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस अबाउट द टाइमिंग पार्ट, यू कैन ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन। आज मैं एक आग्रह जरूर करूंगा, हम सभी सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, भारत आजाद है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ट्विटर हो या कोई भी हो, इस तरह से अपने बेटियों की तस्वीर दिखाएंगे आप? यह बहुत पीड़ादायक है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है, थोड़ा उनको भी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए। अब ये तो हो गई मणिपुर की बात। सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल जी, चलिए खड़गे जी, ये जो जोधपुर की घटना हुई है इस पर आप खामोश क्यों हैं भाई? जोधपुर जिले में एक परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया, हत्याकांड के बाद चारों शवों को आंगन में रखकर आग लगाई, महिलाएं भी थी ना उसमें परिवार में। सोनिया जी कुछ बोली है क्या? उन्होंने फोन भी किया है क्या अशोक गहलोत को? प्रियंका जी कुछ बोली है क्या? क्या मतलब है इसका? अगर महिला और गरीबों के संवेदनशीलता के प्रति आप जागरूक हैं तो दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। और एक घटना तो करौली का रेप केस जो है, एक दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया, हत्या कर फिर एसिड डालकर जलाया गया, ये क्या है? आज तक गहलोत जी ने कुछ उस पर किया, सोनिया जी ने कुछ बोला, प्रियंका जी ने कुछ बोला, राहुल जी ने बोला, खड़गे जी ने बोला, तो ये जो आपके स्पष्ट दोहरे मानदंड हैं, इसके बारे में क्या कहा जाए? हमारी पूरी रिपोर्ट है कि राजस्थान में आजकल बलात्कार की कितनी घटनाएं बढ़ रही हैं, पूरी रिपोर्ट हमारे पास, कुछ नहीं बोलती कांग्रेस पार्टी। अगर इतना ही महिलाओं के सुरक्षा की चिंता है तो कभी तो आप बोलेंगे।